सहारा के संस्थापक सुब्रत रॉय की पत्नी और बच्चे क्यों नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार में शामिल? सुब्रत रॉय के परिवार ने क्यों ले रखी है दूसरे देश की नागरिकता? आपके दिमाग में भी ये सब सवाल घूम रहे होंगे, तो चिंता मत करिए, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हर्ष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। लंबे समय से बीमार चल रहे सहारा श्री सुब्रत रॉय का मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। भारत के एक बड़े कारोबारियों में गिने जाने वाले सुब्रत रॉय ने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। वह राजनीति, बॉलीवुड, खेल जगत में भी काफी मशहूर थे, मगर निवेशकों का पैसा न लौटाने को लेकर हुए कानूनी विवादों में फंसकर उन्हें जेल तक जाना पड़ गया था। सुब्रत रॉय की पत्नी और बच्चे नहीं है भारत के नागरिक। दरअसल कानूनी पचड़ों से बचने के लिए उनके परिवार ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना राय और बेटे सुशांतो रॉय ने यूरोपीय देश रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया की नागरिकता ले रखी है। सुब्रत की मौत के बाद कंपनी का पैसा संभालने वाले अब भारत के नागरिक भी वो नहीं रहे। नागरिकता पर क्यों खुलकर नहीं बताती है कंपनी? इस मुद्दे पर स्वप्ना राय और सुशांतो रॉय की नागरिकता पर सहारा खुलकर कुछ भी बोलने से बचती है। हालांकि सूत्रों के अनुसार कंपनी ने मैसेडोनिया में 3 बिजनेस खोलने की योजना बनाई थी। सहारा वहां पर डेयरी, 7-स्टार होटल और फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में उतरना चाहती थी। नागरिकता के चलते कंपनी को टैक्स लाभ समेत दर्जनों फायदे होते। वहां भी नागरिकता काफी सस्ती भी होती, लेकिन सहारा ने अब तक वहां पे ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप देखते रहें एबीपी लाइव और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।